रजिस्ट्रेशन पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सभी जो भी आपका जितना भी किया है सब ऑनलाइन आपने फिलअप कर लिया तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर करने के लिए आपको क्या कुछ चीज़ों की जानकारी ध्यान में रखनी होगी कि यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास मौजूद हो, आपके पास प्रिंटआउट अवेलेबल हो, आपके पास घर पे कॉलेज को देने की ज़रूरत नहीं, अगर मांगते हैं तो दो। ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, कुछ भी हार्ड कॉपी लगती नहीं है। एप्लीकेशन आईडी आपके पास हो, ये नंबर चेंज हो सकता है एवरी ईयर। आपका सैंड बैग कभी ना हो, सैंड बैग जो होता है तो अगेन मतलब आपने कुछ गलती किया है इसलिए गवर्नमेंट ने आपको सैंड बैग किया है, और सैंड बैग का करेक्शन का लास्ट डेट से पहले आपको सैंड बैग हट जाना चाहिए, मतलब आप वो करेक्शन करके आप वापस स्क्रूटनी के लिए चले जाएँ। स्क्रूटनी स्टेटस आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक बार लास्ट डेट चली जाती है स्क्रूटनी की तो आप सैंड बैग वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपका स्क्रूटनी के जो फॉर्म आपको वापस आया था सैंड बैग हुआ था वो लॉक हो जाता है लास्ट डेट होने के बाद। तो लास्ट स्टेज जो है वो डिपार्टमेंट डायरेक्टर आपका स्क्रूटनी करके देता है फाइनल स्टेज पे। ये अगर हो गया तो आपको वाउचर मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आगे देखते हैं कैसा होता है ये पूरा प्रोसेस। स्क्रूटनी अंडर स्क्रूटनी के अंदर ये जो लिंक देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करना होता है। यूजुअली स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि वो क्या होता है क्या नहीं है, और यहाँ पे स्टेटस आप देख रहे हो तो अंडर स्क्रूटनी मेंशन है, तो ये चेंज होता है और ये भी चेंज होता है। इवन इसके आगे भी कुछ दो तीन कॉलम और बढ़ते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, ये एप्लीकेशन आईडी को आपको संभाल के रखना है जैसे मैंने बताया था। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ स्टेजेस दिखाई देंगे। ये स्टेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जो स्क्रूटिनी है वो चार स्टेज पर होता है। आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन आपके लॉगिन से कंप्लीट होने के बाद वो स्क्रूटिनी के लिए कॉलेज अथॉरिटी या क्लर्क के पास जाता है, और वो उसको बोलते हैं डेस्कन ऑफिसर। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया आपको SMS आएगा जो नंबर आपने दिया था, फिर आपको प्रिंसिपल के पास जाता है। तो प्रिंसिपल ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फिर से एक SMS आएगा, फिर आप उसने एक्सेप्ट करके आगे भेज देता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्लर्क है या जॉइंट डायरेक्टर है, उस वो क्या करता है वो अगर उसने सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनली आपको डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास जाता है, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वाउचर आएगा। मगर आप देख रहे हैं लाल कलर में रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड, ये जो है एक्चुअली सैंड बैक है। ये कोई भी स्टेज में आपका पीछे आ सकता है, और जो अगर वो स्टेज पे पीछे आता है तो आपको वो कैसे आपको मालूम पड़ेगा, वो को उसको देखना है और उसको करेक्शन करा के लेना है। तो वो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ये लिंक पर तो आपको एक ऐसा पेज खुलता है। इस पेज में आप देखेंगे नोटिस बहुत सारे डेट्स मेंशन किए हैं, कौन किसने आपको फॉरवर्ड किया या सेंड बैक किया है और क्या लिख कर भेजा। देख रहे हो ये स्टूडेंट है एग्जाम्पल के तौर पर, ये स्टूडेंट के केस में, ये स्टूडेंट के केस में इसने सैंड बैग किया। उसने लिखा कि आपका कुछ डेटा गलत है, तो उसने फिर 20 तारीख के बाद 27 तारीख किया। उसने फिर कैप आईडी गलत डाला था, उसने कैप आईडी और उसका सर्टिफिकेट अपलोडेड नहीं था शायद, तो उसने वो लिख के भेजा है। फिर उसने करेक्शन कर दिया तो उसने फिर फॉरवर्ड कर दिया क्लर्क ने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने जॉइंट डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने डिपार्टमेंट डायरेक्टर को। देखो जब भी ऐसा कुछ लिख कर आता है तो आखिरी तारीख देखें कि लेटेस्ट तारीख क्या है, उसके सामने उसका रिमार्क क्या है, उस किसने दिया। अब उसमें रिमार्क लिखा तो रिमार्क को करेक्शन कीजिए, ऑनलाइन करके लीजिए, और फिर आप वापस रीअप्लाई कर लीजिए। रीअप्लाई बटन बन के आता है, रीअप्लाई बटन वो कुछ देर तक ही अवेलेबल रहता है लास्ट डेट तक। अगर वो रीअप्लाई नहीं करते बटन को, हरा बटन रहता है, अगर नहीं करते तो वो नहीं होगा। और रीअप्लाई बटन कहाँ आएगा आपको, जैसे कि यहाँ पे इधर ही कहीं आपको रीअप्लाई का बटन आता है, मगर वो लास्ट डेट तक ही रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो जैसे मैंने बताया अंडर स्क्रूटिनी से वो चला जाएगा अप्रूव्ड स्क्रूटिनी में। तो अप्रूव्ड स्क्रूट जैसे आपका सब कुछ सही है तो अंडर स्क्रूटिनी से वो हट कर चला जाता है अप्रूव्ड स्क्रूटिनी में। मगर अप्रूव्ड स्क्रूटिनी में अगर आप जाते हो अप्रूव्ड एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे देखो अगर अंडर स्क्रूटिनी ही स्टेटस दिखा रहा है तो क्या आप ये टेंटेटिव बेनिफिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा नीचे, कुछ बड़ा पेज रहता है ये, तो 25,000 मेंशन होने चाहिए। अगर कुछ स्टूडेंट को अगर 25,000 मेंशन नहीं हुआ तो हो सकता है जीरो लिख कर आए, अगर जीरो आता है तो आप फंस गए, मतलब आप कुछ तो मिस्टेक किए हो। तो आपको अपने कॉलेज को कॉन्टैक्ट करके आपको करेक्शन करा के लीजिए, अगेन लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो अप्रूव्ड एप्लीकेशन में अंडर स्क्रूटिनी हटकर अभी अंडर DDO आ गया, और बेनिफिट डिटेल में टेंटेटिव बेनिफिट्स पहले था, आप नोटिस किए यहाँ पे टेंटेटिव बेनिफिट्स था वो, अब वो टेंटेटिव बेनिफिट्स में यहाँ पे चेंज हो गया, वो चेक रिडीम स्टेटस आया। अब इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा वाउचर बन के आता है। ये वाउचर जो है दो इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, 25,000 को 12,500, 12,500 में देती है। 12,500 में यहाँ पे दिख रहे हैं आप 0 रुपीज़ दिया, इंस्टीट्यूट स्टेटस अवेटिंग अवर अप्रूवल लिखा हुआ है।
रुपीज जीरो डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल, मतलब रुपीज जीरो के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती है, मगर ईबीसी के या दूसरे स्कीम के अगर बच्चे तो उनके लिए अमाउंट मेंशन होता है तो वो कॉलेज ही अथॉरिटी करती है। अगर नीचे वाला जो दिया हुआ है जो स्टूडेंट स्टेटस अप्रूवल लेती है, महाडीबीटी करती है। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट में आता है। तो अगेन देखें आप, यहाँ पे कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद या काफ़ी टाइम लग जाता है ये रिडीम के बटन को आने के लिए, अगर आपका पैसा अप्रूवल हो गया गवर्नमेंट के पास आ गया है, गवर्नमेंट आपको देने रेडी हो गई है अकाउंट में, तो आपको रिडीम बटन, हरा कलर का बटन आएगा, इसका कोई वैलिडिटी होगी तो होती है, वो मैंशन होती है यहाँ पे, और इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फंड डिसबर्स इन इन प्रोसेस लिख कर आता है, और फिर आप क्या होगा कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपको वो आपके अकाउंट, बैंक के अकाउंट में जो आधार से लिंक है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड रिडीम स्टेटस भी आता है। सेकंड रिडीम स्टेटस में आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंड डिसबर्स लिख कर आ रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। अब सेकंड रिडीम के लिए अगेन इसकी भी वैलिडिटी होती है कुछ दिन की, कुछ महीनों की। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इसका भी अमाउंट, पैसा डॉक्यूमेंट आपके अकाउंट, आधार लिंक अकाउंट में आ जाएगा। बट याद रहे कि सेकेंड रिडीम वाले में एक क्राइटेरिया है कि आपका कॉलेज का अटेंडेंस 25% से ज़्यादा हो, और ये उन डिटेल्स लोग चेक करते हैं। तो अकाउंट में आपके पैसा आने के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे आप बटन दबा रहे हो पेटीएम के जैसा, फ़ोनपे के जैसा, आपको तुरंत पैसा आ जाए, मगर इसको प्रोसेस को टाइम लगता है। हर इंडिविजुअल के लिए अलग केस होगा, वैसा ना समझे कि मेरे दोस्त का आ गया तो मेरा आ जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट है, आपके लिए वेरीफाई हो रहा है, और आपका प्रोसेस होगा, आपके लिए आपके अकाउंट में आएगा, तो आप अपने दोस्त से कंपेयर ना करें। और हो सकता है कि पैसा एक महीने में आए या एक साल लग जाए। अगेन आपको ये सब कुछ पोस्ट प्रोसेस के अंदर ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू जब आप करते हैं तो मोबाइल में एक इशू आता है, वो ये है कि आप ब्राउज़र जो ओपन करेंगे मोबाइल के अंदर, तो ऊपर जो सेटिंग होती है उसको ना डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट करने पर आपको कॉल पूरा जो वेब पेज दिखाई देगा वो वेब पेज ऐसा वैसा डेस्कटॉप पेज दिखाई देगा, तो आपको वाउचर पूरी तरीके से अच्छे से दिखाई देगा। वाउचर ये जान के लीजिए कि भाई वाउचर मेरे को आना चाहिए, वाउचर आया तो मतलब आपको स्कॉलरशिप श्योर आ सकती है। कोई मिस्टेक हो क्या है वो सब देख के रख लीजिए आप, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वाउचर क्यों नहीं बन के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं एक इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्रीवेंसेस और सजेशन क्या होता है, आप गवर्नमेंट से अपने प्रॉब्लम्स को कैसे पूछ सकते हैं।